ये है फ्रेंड्स चना दाल पालक। आपने पालक की बहुत सी रेसिपीज खाई होगी, लेकिन आज मैं जो बना रही हूँ चना दाल पालक, वो इतनी टेस्टी बनती है ना कि उसको एक बार बनाना तो बनता ही है। हाय फ्रेंड्स, स्वाद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ नमस्कार रितु मेरा और आज मैं नमस्कार। बना रही हूँ चना दाल पालक। इससे पहले फ्रेंड, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। आइए चना दाल पालक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 कटोरी चना दाल, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके उबलने के लिए प्रेशर कुकर में नमक और हल्दी डाल के रख दिया है। और यहाँ पर लिया है मैंने 1 बंच पालक। जिस तरह से हम दाल उबालते हैं ना, उसी तरह से हमने इसको चने की दाल को उबाल लेना है। तब तक, जब तक दाल उबल रही है, तब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून तेल लिया है मैंने, उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा, 4 मैंने डाली है सूखी लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग डाली है। अब यहाँ पर मैंने डाला है कटा हुआ लहसुन। लहसुन थोड़ा ज्यादा डालिएगा, पालक के साथ में लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो लहसुन आप ना डालें। और लहसुन को थोड़ा अच्छी तरह से भूनिएगा, हल्का सा, जब अच्छा सा पिंक हो जाए ना ये, तब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ बारीक प्याज और थोड़ी सी अदरक। अदरक भी मैंने काट के डाली है, आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, किसी हुई भी डाल सकते हैं। देखिए हमारा प्याज अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें मैंने डाला है 1 बड़ा टमाटर बारीक काट के। अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे जब तक कि हमारे टमाटर गल ना जाए। इसको अच्छी तरह से धीमी को आँच को मैंने धीमा रखा हुआ है। और इसमें बहुत ही थोड़ी सी हल्दी डाली है, क्योंकि जो दाल हमने उबलने रखी है ना, उसमें भी हमने हल्दी डाली है और नमक डाला है, और थोड़ा सा ही मैंने नमक डाला है। अब इसको हम ढक के पकाएंगे जब तक कि हमारे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। बीच बीच में इसको चला के देख लीजिएगा, 2 मिनट में टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए टमाटर बहुत अच्छी तरह से हमारे गल चुके हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून मैंने डाली है लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून डाला है मैंने पिसा हुआ धनिया पाउडर, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है हमारे मसाले का। अब इसमें मैंने डाली है पालक, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और फिर इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इन सभी को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, ताकि मसाले, पालक, सब कुछ बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए। इसको हम ढककर पकाएंगे जब तक कि हमारी पालक अच्छी तरह से गल नहीं जाती है। ये देखिए मैंने इसको ढक दिया था और आँच को बिल्कुल धीमा कर दिया है। 5 मिनट में पालक बहुत अच्छी तरह से गल जाती है। ये देखिए पालक बहुत अच्छी तरह से गल गई है, टमाटर भी गल गए हैं, बहुत बढ़िया लग रही है देखने में ये। अब हमारी दाल भी वहाँ हम देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी है। ये देखिए दाल, इसमें मैंने सिर्फ नमक और हल्दी डाल के इसको प्रेशर कुकर में गलाया था। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। अभी आपको दाल पानी अलग अलग लग रहा है ना, लेकिन इसको हम 5 मिनट तक धीमी आंच पे पालक और दाल को मिक्स करके अच्छी तरह से पकाएंगे, तो ये बिल्कुल बढ़िया सी एक अच्छी तरह से बन जाएगी दाल, गाढ़ी गाढ़ी दाल बन के तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी इस टाइम पे 1/2 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, और 1/2 मैंने नींबू लिया है जिसको मैंने इसमें डाल दिया है। नींबू का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको खट्टा नहीं पसंद है तो आप इसमें ना डालें। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब मैंने इसमें डाला है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया के बगैर तो कोई डिश फ्रेंड्स कंप्लीट ही नहीं होती। ये देखिए अब ये बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। इसको 2-3 मिनट के लिए हम गैस पर और रखेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से धनिया, गर्म मसाला, सब दाल में इसका फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से चला जाए। ये देखिए फ्रेंड्स अब ये बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। ये इतनी टेस्टी बनती है खाने में कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा खाकर, और आप इसे बार बार बनाएंगे। मैंने इसे चने की दाल के साथ बनाया है, आप चाहें तो इसे अरहर की दाल के साथ बना सकते हैं। ये हमारा लंच बन के बिल्कुल तैयार है। चना दाल पालक, आलू गोभी की सब्जी बनाई है मैंने, साथ में रोटी, मूली है, चटनी है, और ये है लाल मिर्च का तीखा वाला अचार। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाल मिर्च के अचार की, ये बहुत टेस्टी बनता है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये दाल कैसी लगी। बाय बाय।